गुड इवनिंग मैम। गुड यस मैम। इज देयर एनी बैकग्राउंड नॉइस? हाँ लिटिल बिट मैम। इज इट ओके नाउ? इट्स ओके मैम। ओके सो आज हम प्रेजेंटेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स और एक्टिव पैसिव वॉइस का रिवीजन भी करेंगे, प्लस ये दो लेक्चर्स कवर करेंगे, प्रेजेंटेशन स्किल एंड लीडरशिप स्किल को। एंड बिसाइड दिस, अगर कोई डाउट है, कोई हेल्प चाहिए किसी और चीज़ में, आप हेल्प मांग सकते हैं एंड देयर टू हेल्प यू, गाइड यू। ओके आपको किसी चीज में हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। अभी व्हाट योर थिंकिंग, लाइक क्लास करने से क्या आउटपुट क्या लग रहा है आपको, कि मीन्स बेनिफिशियल हुआ कुछ भी इतने दिनों का जो भी क्लासेस किया? यस मैम। मीन्स किस चीज में आपको लगा कि ज्यादा जो पहले नहीं पता था, वो अब लगता है कि हाँ क्लास करने के बाद वो ज्यादा क्लियर हो गई? मैं ज्वाइन किया था आकाश सर ने कहा था, जब उन्होंने मेरा पहला मॉक लिया था तो मेरे उन्होंने 2 नंबर बताए थे, तो अच्छा, अब 5 या 6 आ जाते हैं। कितने में से? 10 में से? यस मैम। ओके और बिसाइड दैट, मतलब अब कम्युनिकेट कर पाता हूँ मैम, बोल पाता हूँ थोड़ा। बात कर लेते हैं आप? यस ओके एंड और मींस आप कम्युनिकेशन के लिए बस स्टार्ट किए थे या और किसी चीज के लिए आपने क्लास को ज्वाइन किया था? मैम। कम्युनिकेशन के लिए मेन पर्पस तो ओके एज आई सेड, आपका ज्यादा इशू नहीं है, आपका जो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग शायद लोग के साथ कॉन्वर्सेशन देखा था, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपके कम्युनिकेशन में। सो आप जितना ज्यादा लोगों से जल्दी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दें तो उतना जल्दी आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो खुद को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए 3 महीने, 4 महीने आप दे दीजिए, जहाँ पे आप किसी एक इंडिविजुअल पर्सन से कॉन्टिन्यूस जो है इंग्लिश में बात कर रहे हैं। ठीक है जी। और किसी फील्ड में आपको लगा कि नहीं यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, कोई ऐसा टॉपिक जो हमने कवर अप किया है? सोचने का तरीका ऐसा कुछ समझ में आया कि किस तरीके से करना चाहिए? जो मैम आपने न्यूज़पेपर वाला बताया वो भी अच्छा है। वो सही था? ओके और मैम जो मतलब ग्रुप डिस्कशन करते हैं वो भी अच्छा है। एंड थिंकिंग एबिलिटी मीन्स इम्प्रूव करने का एक अच्छा तरीका आपका न्यूज़पेपर रीडिंग एंड ग्रुप डिस्कशंस, राइट? तो उससे क्या होगा कि आपको अगर प्रेजेंट में इंटरव्यू या कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि ऑन स्पॉट आप उनसे वो टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं, या आप तुरंत सोच सकते हैं कि हाँ मुझे क्या बोलना चाहिए बाकी, राइट? यस मैम। ओके गुड इवनिंग शाहिन गुड इवनिंग मैम। जी। अभी सुनील से डिस्कशन ही हो रहा था कि अभी तक जो भी क्लासेस आपने किए, क्या कोई इम्प्रूवमेंट नजर आया? मीन्स आपको ऐसा तो नहीं लगा कि क्लास करके आपने गलती की? ओके कौन सा सेक्टर आप लोग का कि ये तो मेरा इम्प्रूव हुआ है पहले के कंपैरिजन? बेसिकली आई वुड लाइक फ्रेंकली सो टू बी ऑनेस्ट 10% इट इज हेल्प मी लॉट्स टू स्पीक इंग्लिश टेंसेस? एंड ऑल्सो टेंसेस या
आल्सो ईमेल राइटिंग। सो बिसाइड दिस और कोई हेल्प आपको मिली इस क्लास को ज्वाइन करने से? बाकी सब कुछ सही, मैम सब कुछ याद थी, मैंने सब कुछ किया, किसी को पर्सनली जज नहीं कर सकता। तो आपने इस क्लास को ये चीज ज्वाइन अच्छा नहीं था। करने का आपका मेन रीजन का क्या था? कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना, या वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना, या फिर राइटिंग रिलेटेड पार्ट को इम्प्रूव करना, या फिर आपका थिंकिंग एबिलिटी इम्प्रूव करना? बिफोर दिस क्लास ज्वाइन वी एनेबल टू स्पीक, इवन राइट नाउ आई एम एबल टू स्पीक विथ यू, बट बिफोर दिस क्लास व्हेन आई स्पीक एनी सिंगल वर्ड इन इंग्लिश तो माय बॉडी इज जस्ट कैम्परिंग शिवरिंग। सो डेफिनेटली दिस क्लास इट्स आई एबल टू स्पीक ड्यू टू दिस क्लास। और ऐसा है कि मैम पहले तो मैं बहुत बेइज्जत तो बहुत हुआ, लेकिन कभी कोशिश नहीं किया इम्प्रूव करने के लिए। बट यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली बोलने की, एंड उससे आपको समझ में आया कि क्या करना है, राइट? आई स्टिल रिमेम्बर वन थिंग, व्हेन आई वेंट इन एयरपोर्ट इन बैंगलोर, सो मुझे पूछना था उससे कि मुझे लगेज जो है ये इंडिया में मतलब कि बैंगलोर में मिलेगा या फिर मुझे डायरेक्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट में मिलेगा, लेकिन मैं इंग्लिश में बोल नहीं सकता था इसलिए मैंने पूछा नहीं उससे। और मैं जा करके बैगेज काउंटर में खड़ा रहा वहां पे 1 घंटा कि मेरा बैग क्यों नहीं आ रहा। बाद में फिर मैंने देखा कि मेरे साथ जो ट्रेवल कर रहा था वो आदमी देख इधर उधर घूम रहा, वो बैग के पास नहीं खड़ा। फिर मैंने जाकर उससे पूछा, मैं बैग आपको मिला क्या? बोलता नहीं, बैग तो वहीं डायरेक्ट वहीं मिलेगा अपने डोमेस्टिक में। तो ऐसा बहुत बार हुआ। मैं से एक बार मैं अफ्रीका में फंस गया था, इथोपिया में फ्लाइट चला गया था ओवर ओवर टिकट काउंटिंग की वजह से, तो हमको अकेला सिर्फ छोड़ दिया था। मेरा 3 फ्रेंड था, वो लोग चला गया नाइजीरिया से, हम लोग आ रहे थे दुबई, तो नाइजीरिया से इथोपिया आए, इथोपिया में मेरा 3 फ्रेंड चला गया फ्लाइट में, हम अकेले फंस गए। तब हम सोच रहे कि अब करें तो क्या करें, ना ही अपने पास कोई वीजा है और नया कंट्री है, नहीं पैसा है, अगर अगर मुझे सेकेंड फ्लाइट का ऑप्शन नहीं दिया तो हम कहाँ जाएंगे। तो किसी तरह से मुश्किल से टूटा फूटा इंग्लिश बोल के किसी तरह से जा करके ट्रांजिस्ट ऑफिस के पास जाने के लिए बोला, वहां पे जाके बोल के रिक्वेस्ट करके फिर नेक्स्ट टाइम मेरे को फ्लाइट के लिए भी टिकट मिला के। सब कंट्रीज में, जैसे कि नॉर्मली मैक्सिमम कंट्रीज इंग्लिश का यूज करती है कम्युनिकेशन के लिए, सो कॉमन लैंग्वेज, सो इसलिए कंपलसरी हो यस जाता है मैम। सीखना। अदरवाइज कुछ कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है, आपका हिंदी लैंग्वेज भी कहीं कहीं पे बोला जाता है, इवन वो भी समझ के समझ जाते हैं लोग, एंड उसके थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर वो पर्टिकुलर कंट्री जहाँ पे भी आप गए उनका लैंग्वेज अगर आपको आता है तो भी आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट? सो यस मैम। डिपेंड करता है कि किस लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, उसको सीखना चाहता है। सिंस यू नो कि इंग्लिश सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो आपने इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दिया कि मुझे इंग्लिश ही सीखना है। यस मैम। बट मैं यही सजेस्ट करूँगी आप सबको कि आप जो है अभी इतना आपने किया, राइट? अभी तक आपने लाइव क्लासेस में कॉन्वर्सेशन हेलो या सॉरी सॉरी यस मैम। सॉरी आई लेफ्ट इन बिटवीन, देयर वाज सम इशू विद द सिस्टम, माय नेफ्यू वाज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट राइट नाउ व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू यू ऑल, एंड इट टर्न ऑफ इन बिटवीन। ओके मैम, दिस आई एम थिंकिंग, आई थिंक माय मोर ब्लूटूथ इज नॉट वर्किंग वेल और That nephew is not just 2 years old. They all are not aware about all these things. Like when I'm, because in my whole family, no one did research about law. Everyone was
works only, not me, like me. So the kids, they are not aware of all such things like that. I'm doing such official work. So that's why they used to play with my sister also, with my books and whatever I use related to my official purposes, they just play with that. And I have to just, I don't know what to say because they are not aware of all this. And I can't be angry on them. Yes, child's nature. Yeah, you can understand. So in between just now, what he did, he just done something with the laptop and I was not noticing that, and it just turned off in between. So sorry. यस मैम, सजेशन ये है कि आप आफ्टर दिस क्लास खुद को एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए किसी एक पर्सन को उसको लेके चलिए, चाहे आप क्लासेस, जैसे आप सबने जिस तरीके से अभी तक कंटिन्यू किया है, राइट, 8 से 8:30 बजे आप लोग एक वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, राइट, उसको आप कंटिन्यू करना टिल 3 to 4 months, ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका जो है ये फ्लो जो है टूटे ना, एंड आप जो है कंटिन्यूअस बात करते रहे इंग्लिश में, बीच में भी कभी छोड़े ना. देन उससे क्या होगा कि आप नोटिस करेंगे कि नाउ आप एक प्रॉपर मतलब कम्युनिकेशन कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर किसी से भी करना हो तो. अभी अगर आपने छोड़ दिया क्लास करके, तो फिर वो चीज़ें दिन पे डे बाय डे क्या होंगी, भूल जाएंगे आप, राइट. तो प्रैक्टिस कब होगा, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, जो भी आपने पढ़ा है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा, लागू करना होगा अपने आप ऊपर, मीन्स बात करते वक्त उन रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपने पढ़े थे बात करने के, मीन्स जो यहाँ पे आपने सीखा है उन चीज़ों को अप्लाई करना होगा आपके कॉन्वर्सेशन के टाइम पे, ठीक है. आफ्टर एंड ऑफ दिस क्लास ऑल्सो ट्राई डू सच थिंग्स. एंड एडिटोरियल रीडिंग प्लीज़ आप लोग छोड़ना मत. आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ जस्ट रीड दैट. क्यों? रीजन यही है कि आप अपडेटेड रहेंगे, आपके पास वर्ब्स, आपके पास वोकैबुलरीज भी आएंगे, आपके पास क्लैरिटी आएंगे कि कब कौन सी बात हमें बोलनी है. स्टार्टिंग में जब हम बोल रहे हैं तो हमें किस बात को बोलना है, देन इन बिटवीन बोलना है तो किस तरीके से बोलना है, क्या चीज़ें बोलना है, एंड जब लास्ट में बोलेंगे एक तरीके से कंप्लीशन या फाइनल डिसीजन या कंक्लूजन वगैरह आपको देना रहेगा, सोल्यूशन देना रहेगा जब कॉन्वर्सेशन वगैरह कुछ एंड होता है, इस तरीके की आप बातें करेंगे, राइट. ये एडिटोरियल के थ्रू आपको समझ में आएगा, ठीक है. तो टू थिंग आई वुड से, आप दो चीज जरूर करिएगा आफ्टर एंड ऑफ दिस क्लास इन फ्यूचर. आप एक कॉन्वर्सेशन किसी एक पर्सन को कर लीजिए कि हाँ, मुझे इस पर्सन से अपना कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखना है इन फ्यूचर आफ्टर द एंड ऑफ दिस क्लास ऑल्सो. सेकेंड, आप एडिटोरियल रीडिंग छोड़िए मत, उसको पढ़िए, एंड पर डे जो भी एडिटोरियल पढ़ रहा है उससे एक या दो वोकेबलरी, अगर 5 भी नहीं होता है तो सिर्फ एक या दो वोकेबलरी एटलीस्ट आप कर सकते हैं उस एडिटोरियल से कि हाँ, आज मैंने ये वोकेबलरी पढ़ा है, एंड उसी वोकेबलरी को आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए बात करते वक्त अपने कॉन्वर्सेशन के टाइम पे, एंड वो लंबे टाइम तक आपको याद रहेगी. या आप क्या कर सकते हैं, कहीं वॉल पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, हाँ ये वोकेबलरी आज मैंने पढ़ी थी, इसका मतलब ये था, एंड उसी के वोकेबलरी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट खुद से एक बना लीजिए. एक स्टेटमेंट आपको एडिटोरियल से मिला होगा, एक स्टेटमेंट खुद से बना भी सकते हैं उस वोकैबुलरी से, हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाएगा, सिर्फ इंग्लिश में नहीं हिंदी में भी बनाएगा उस वोकैबुलरी का मतलब जो स्टेटमेंट है, ठीक है. सो मैंने आपको सजेशन दे दिया कि इन फ्यूचर क्या करना है, जस्ट डू दिस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द
कम्युनिकेशन क्लासेस जी गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग आई डोंट नो दिस क्लास मैम आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए थी और सजेशन भी सुनील आप कुछ मैम मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ ना दोबारा वैसे यस मैम यस वो तो मैम सर से बात हो गई है तो आपके हिसाब से मैम करना चाहिए देखिए मेरे अकॉर्डिंग आप टाइम आप क्या कि आप 8 से 9:30 तक आई थिंक चलेगा तो 8 से 9:30 आपको उतना टाइम देना पड़ेगा राइट तो मैं क्या करूँगा आप वो करने की जरूरत नहीं आप क्या करिए जैसे शाहिद एंड लोग कन्वर्सेशन करते हैं राइट तो आप इनको ज्वाइन कर लीजिए कन्वर्सेशन में ठीक है एंड क्या करिए वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी आपका होता है वो मुझे शेयर कर दीजिए एक ग्रुप आप खुद का क्रिएट कर लीजिए जिसमें मुझे आप क्या कर सकते हैं मुझे भी उसमें ऐड कर लीजिए ठीक है ताकि क्योंकि मान लीजिए या तो ये ग्रुप अगर चलता है जिसमें अभी आप प्रेजेंट में जिस ग्रुप में अगर वहाँ पे पोस्ट करते हैं एंड वहाँ पे पोस्ट करने में आपको कोई इशू नहीं है तो आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे मुझे नहीं पोस्ट करना है मैं इंडिविजुअल वो करना चाहता हूँ मैम को दिखाना चाहता हूँ कि कॉन्वर्सेशन में कर सकता हूँ या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप एक ग्रुप बना लीजिए अपना उस ग्रुप को बनाने के बाद उसमें आप मुझे ऐड करके कुछ भी अगर आपको लगता है कि हाँ मैम को मैम से पूछना चाहिए तो आप उस ग्रुप में पूछ लीजिए ठीक है जो भी आपके पार्टनर रहेंगे सिर्फ दो दो या तीन लोग को मैं बोल रही हूँ कई सारे लोग नहीं 10-15 लोग नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपका ग्रुप है 10-15-30 लोगों का राइट वो नहीं करना है 2 से 3 लोगों का ग्रुप मैक्सिमम रखिए या 4 लोग तक 4 लोग तक भी चलेगा जस्ट क्या हुआ सॉरी ओके ना मैं ये कह रही हूँ आप क्या करिए ग्रुप बनाइए एंड उसमें मुझे भी ऐड करिए एंड उस ग्रुप में अगर आपको लगता है कि मैं मुझे आप वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड करके आप चेक करवाना चाहते हैं कि आपने सही कॉन्वर्सेशन किया है कि नहीं तो मैं आपका वहाँ चेक करके बता दूंगी एनालिसिस करके बता दूंगी हाँ कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है देन वोकैबुलरी आपने जैसे एडिटोरियल रीडिंग किया है या मैं आपको आप बोल दीजिए तो मैं आपको शेयर कर बट ऑलरेडी मैंने आपको एक लिंक शेयर किया हुआ है जहाँ से आप न्यूज़पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं अगर मैं नहीं भी सेंड करती हूँ तो सेल्फ से आप डाउनलोड करके वहाँ से एडिटोरियल पढ़ के उससे बस 2 वोकैबुलरी उठाइए ठीक है कि हाँ आज मैंने ये वर्ड पढ़ा है उस ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए ठीक है आपने रीड किया एक एडिटोरियल आपने पोस्ट किया नाउ जो भी उस ग्रुप में दूसरा पर्सन होगा उसने भी एडिटोरियल पढ़ा होगा उसने भी अपने अकॉर्डिंग 2 वोकैबुलरी पढ़ी होगी राइट तो उसने भी नाउ थर्ड पर्सन एडिटोरियल पढ़ा होगा उसने भी 2 वोकैबुलरी तो टोटल आपके पास 6 वोकैबुलरी हो गए राइट 2 आपने पढ़े 2 आपके फ्रेंड ने पढ़े राइट जो भी होंगे ग्रुप में फिर वो लोगों ने क्या किया जो एडिटोरियल का स्टेटमेंट था वो लिखा साथ में खुद से एक सेल्फ मेड स्टेटमेंट उस वोकैबुलरी से एक सेल्फ मेड स्टेटमेंट बनाया हिंदी और इंग्लिश दोनों में एंड उसको ग्रुप में पोस्ट कर दिया आपने सिर्फ 2 वोकैबुलरी उससे ज्यादा नहीं हर जितने भी मेंबर होंगे 2 या 3 मेंबर होंगे वो हर कोई जो है वोकैबुलरी अगर पोस्ट करता है तो उससे क्या होगा आपको लगेगा अच्छा इसने आज ये वोकैबुलरी पढ़ी अच्छा इसने आज ये वोकैबुलरी पढ़ी उससे क्या होगा एक कॉम्पिटिशन भी डेवलप हो जाएगा कि हाँ इसने ये वोकैबुलरी पढ़ी है मैंने ये स्टेटमेंट आओ फिर क्या होगा अगर आप चाहेंगे तो आपका मैं वोकैबुलरी रिलेटेड अगर कुछ सेशन भी मीन्स टेस्ट रिलेटेड भी करना होगा तो मैं वहाँ पे ग्रुप में एक गूगल फॉर्म आपको शेयर कर दूंगी आप उसको बस वहाँ पे आंसर वो कर लेना टेस्ट कर लेना अपने आप मार्क्स वगैरह चेक कर सकते हैं जैसे आपका फ्राइडे फ्राइडे टेस्ट होता था वो टेस्ट वो ग्रुप में वो फॉर्म आपको चला जाएगा ठीक है वो वोकैबुलरी रिलेटेड मैं बोल रही हूँ जी मैम ठीक है पर मैं सोच रहा था मैम जो कंसिस्टेंसी मैम क्लास में रहती है ना वो मैम ऐसे नहीं रहेगी ना फिर जी मैम ठीक है पर मैं सोच रहा था मैम जो कंसिस्टेंसी मैम क्लास में रहती है ना जी वो मैम ऐसे नहीं रहेगी ना ओके तो अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तभी इफ यू हैव टाइम टाइम है आपके पास तभी आप करिए अदरवाइज मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ आप उस पे इन्वेस्टमेंट क्योंकि अभी प्रैक्टिस की जरूरत है अभी लेक्चर अटेंड करने की जरूरत नहीं आपको राइट आपने ऑलरेडी लेक्चर कर लिया है अब आपको क्या करना है उसको इम्प्लीमेंट करना है इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड प्रैक्टिस पूरे क्लास में आप नहीं कर पाएंगे
राइट तो प्रैक्टिस करना है आपको, आपने लर्निंग फेज कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस करने के लिए आपको बात करना पड़ेगा, उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। सो मैं मुझे जहां तक लगता है कि हर कोई जो भी आपका ग्रुप में है, शाहिद हो या सुनील ऑल्सो मैम। रेगुलर है, आई थिंक दे विल डू दैट वीडियो रिकॉर्डिंग डेली, आई थिंक सो। शाहिद अमन आप लोग रेगुलर करते हैं राइट? सुनील ऑल्सो मैम, सुनील अभी करते हैं ठीक है। तो अगर आप लोग रेगुलर करते तो आप एक ग्रुप बना लीजिए, मैं पूछ लूंगी वहां पे डेली एज अ मीन सी आई, मैं अगर स्टूडेंट को गाइड कर रही हूँ तो मैं ऐसे छोड़ नहीं देती मीन्स, क्योंकि क्या होता है कि एक आउटकम जरूरी होता है कि हाँ फाइनल रिजल्ट क्या निकल क्या रहे, अगर वो रिजल्ट निकल के नहीं है तो आपको फर्दर हेल्प की जरूरत होगी, तो आई विल हेल्प यू वॉट एवर थिंग्स आई कैन डू, आई विल डू दैट बिकॉज आई वॉन्ट कि आप जहाँ भी जाए वो आप वो चीजें नजर आए कि हाँ आपने कम्युनिकेशन की क्लास लिए ओके हुए हैं ठीक है। यस तो प्रैक्टिस की जरूरत है, लर्निंग की जरूरत अभी नहीं है, मैं यही कहूंगी प्रैक्टिस करिए ओके जी। एंड प्रैक्टिस के लिए वही सिंपल एडिटोरियल रीडिंग करिए या फिर मैं ग्रुप बनाऊंगा, आप कहिए तो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूँ ठीक है। आप जो भी ग्रुप बनाए उस ग्रुप का नाम रख दीजिए आप लोग अपना ग्रुप का, SMA राइट, SMA ग्रुप आप कर सकते हैं। सत्यांशु बना हुआ है ठीक है, तो आप उसमें मुझे ऐड कर सकते हैं। देन आप क्या करेंगे वहां पे मैं आपको एडिटोरियल का जो भी है वहां पे पोस्ट कर दूंगी ठीक है, या फिर मैं नहीं पोस्ट करती तो आप एक एक एडिटोरियल, आपने एक एडिटोरियल पोस्ट किया, शाहिद ने एक एडिटोरियल पोस्ट किया, अमन ने एक एडिटोरियल पोस्ट किया ठीक है, आप तीनों लोग ने अपना अपना एडिटोरियल पोस्ट किया, उस एडिटोरियल इमेज के नीचे जस्ट आप नोट डाउन कर मतलब टेक्स्ट कि आज इस एडिटोरियल से आपने ये दो वोकैबुलरी पढ़ी एंड उससे रिलेटेड एग्जांपल्स या स्टेटमेंट आप साथ में ऐड कर दीजिए उस इमेज के जस्ट नीचे ठीक है। तो आप आपका एडिटोरियल रीडिंग भी हो जाएगा प्लस वोकैबुलरी दो दो पर डे हो जाएगा, बाकी दो लोग और करेंगे तो टोटल 6 वोकैबुलरी ऐसे कवर अप हो जाएगी। देन बिसाइड दिस वीडियो रिकॉर्डिंग आप 10-10 मिनट का, जैसे मैंने बोला है आप 10-10 मिनट का कॉन्वर्सेशन करिए, अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको टॉपिक दे दूंगी, आप पूछ लीजिए मुझसे कि मैम आज टॉपिक दे दीजिए हमें ग्रुप डिस्कशन करना है, एक दिन पहले मैं टॉपिक दे दूंगी अगर आप लोग कहें तो ठीक है। यस रहेगा इससे क्या कंसिस्टेंसी इससे भी बनी रहेगी अगर मैं टॉपिक दे ठीक है। अमन शाहिद आप लोग एग्री करते हैं? कोई इशू तो नहीं है? सी मैं आपको अलग से हेल्प करूं बिसाइड क्लास एंड उस क्लास के खत्म होने के बाद भी मैं हेल्प करूं। जी मैम। ओके सत्यांशु अभी आपकी आपके पास आते हैं, आप बताइए कि आपने क्लासेस बहुत सारी कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड ऐसे राइटिंग, मेल राइटिंग ये सब केवल मैं ट्रांसलेशन तक मेरा पूरा कंटिन्यू था, एक्टिव बस ऐसे ट्रांसलेशन वगैरह तक कंटिन्यू था मैं, ग्रुप नहीं ग्रुप डिस्कशन मिल गया था, ग्रुप डिस्कशन बहुत सा किया हूँ तो सुनील पूछ रहा था सेम क्वेश्चन मेरे अंदर भी था तो इसलिए मैं चुप हो गया। मैम तो ये सुनील पूछ रहा था कि मैम ये सेम क्वेश्चन था कि मतलब सर से मैं भी मतलब सर से बात हुआ था तो बोल रहे थे कि 10 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो मैं कहा कि सर मेरा बीच में मेरा मैक्सिमम 1 मंथ का अप्रोक्स पूरा छूट गया लेकिन अब मैं कंटिन्यू रहूंगा, तो कह रहे थे स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए मैं सो पूछ रहा था, तो मेरे को भी सर ने तो कहा कंटिन्यू कर लो 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ये सोच रहा था कि
मैं भी ये सोच रहा था कि अगर मान लो कंटिन्यू करता हूँ तो है, लेकिन फिर उन्होंने क्या मतलब कहा प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ, ऐसा रहता है। आइस टाइम प्रैक्टिस आप करने का है। कैसे मैं दूसरा अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है आप कर सकते हैं तो यू कैन ज्वाइन द क्लास अगेन, ठीक है। एंड हाँ, बट इस बार की क्लासेस थोड़ी डिफरेंट होंगी, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट मैच मेरा स्टार्ट हो रहा तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कम है। टाइम नहीं करता हूँ, ये जैसा आप ग्रुप बताई मैम वैसा ग्रुप बनाता हूँ, फिर उसी ग्रुप में ऐड हो जाता हूँ, फिर ऐसा करने का मैं भी सोच रहा हूँ। फिर यस मैम, तो मैं भी सोच रहा हूँ कम टाइम नहीं करता हूँ, ये जैसा आप ग्रुप बताई मैम जी वैसा ग्रुप बनाता हूँ, उसी ग्रुप में ऐड हो जाता हूँ, फिर ऐसा अगर आप रेगुलर होते हैं तभी ज्वाइन करेगा, रेगुलर नहीं रहेंगे तो कोई नहीं है ज्वाइन करने का, यस मैम। ठीक है, एंड सिंपल मैंने पीडीएफ वगैरह शेयर किए हैं ग्रुप में, आप अगर उसको रीड भी करेंगे ओके तो भी सफिशिएंट होगा, आपका लर्निंग फेज वहां से कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा ग्रुप में, ठीक है। तो बट मैं ये कहूँगी कि आपका वैसे बहुत ज़्यादा इश्यू है कॉन्वर्सेशन का, तो आपको फिलहाल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। बाकी सबने प्रैक्टिस भी किया, उन्होंने नोटिस भी किया, अप्लाई लर्निंग पार्ट में मैम जो आप पीडीएफ वगैरह दी है उसको बस पढ़ना है। ठीक ओके है, तो इसलिए आपके लिए भी यही सजेशन है कि आप पहले लर्निंग पार्ट कंप्लीट कर लीजिए देन प्रैक्टिस कर लीजिए। लर्निंग पार्ट में मैम जो आप पीडीएफ ओके जी एक बार रीड कर लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप जो है ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए क्वेश्चंस अपने कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, या वॉइस नोट भेज दीजिए, ठीक है, एंड मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर ओके ओके दूंगी। एंड आई थिंक आपका वीडियो लेक्चर्स भी अपलोडेड है यूट्यूब पे, लिंक आपका ग्रुप में दिया गया है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो मैं सर से बात करती हूँ, बाकी अपलोड कर दूंगी, यस मैम। ठीक है, मैम इम्प्रूवमेंट, मैम इम्प्रूवमेंट आया है मेरे, मतलब मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मेरे अंदर मतलब वर्ड नहीं रहता था अंदर से कि किसी भी कोई चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश हो अपने अंदर एक कलेक्शन वर्ड का नहीं था, तो थोड़ा वर्ड का तो सोच थोड़ा कलेक्ट तो किए हैं वर्ड अगर कि हाँ ऐसा ऐसा बोलना है ये सब तो इम्प्लीमेंट हुआ है मैम। जी मैम ये इस तरह साइड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है कि मतलब क्या होता था कुछ चीजों मेरे को उसका डेफिनेशन मालूम है हिंदी में भी इंग्लिश में भी, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता था कि ये चीज ऐसे ऐसे करते हैं या कुछ प्लस माइनस अपने से ऐड नहीं करके कर पाता था, तो उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें इम्प्रूवमेंट। क्या होता था कुछ चीजों मेरे को उसका डेफिनेशन मालूम है हिंदी में भी इंग्लिश में भी, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता था कि ये चीज ऐसे ऐसे करते हैं अच्छा या कुछ प्लस माइनस अपने से ऐड नहीं करके कर पाता था जी जी, तो उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ इसमें। ओके ओके, ठीक है, आप लर्निंग पार्ट आप कंप्लीट yes. यूट्यूब से एंड वहां से कंप्लीट करके आप जो है प्रैक्टिस सेशन आप इन लोग के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, एंड अगर आपके पास टाइम है तो आप सेकंड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं ये कहूँगी टाइम है तभी, अगर टाइम नहीं है तो आई वुड से कि आप प्रैक्टिस पे टाइम दीजिए प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे लर्निंग ठीक है लर्निंग आपने कर लिया बट सिर्फ लर्निंग इज नॉट सफिशियंट, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। आपने आज पढ़ा कल भूल गए राइट, तो वो रूल्स आपने जो भी पढ़े वो कब याद रहेंगी जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, ओके नेटवर्क इशू, एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है सबको?
हेलो 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 मलेरिया हो गया था ना? अब ठीक है ना? हाँ, हाँ आप बेटर है, पहले से बेटर है। उसकी वजह से इटैक में बहुत सा क्लास पीछे मिस हो गया। चलो हेलो कोई मैम। बात नहीं है। यस तो मैम मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा था, मैम ये क्वेश्चन पूछ रहा था, जैसे कोई भी कंपनी है उसमें अपना रिज्यूम वगैरह मेल करना है, या कोई ऐसा अननोन बंदा है, कंपनी का आदमी है, या कोई ऐसा बंदा है जिससे मेरे को मैं पहली ऑडिबल बार हूँ। मिल के, मतलब मैसेज थ्रू व्हाट्सएप थ्रू कि मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी है या आपकी कंपनी में ऐसा वैसा, थोड़ा मतलब टेक्स्ट मतलब कम्युनिकेट करना है उससे, तो मैं कैसे मतलब करेंगे, जी ये मैं पूछ रहा था कि कोई मेल करना, और सपोज मैं जी कि मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी है या आपकी कंपनी में ऐसा वैसा, थोड़ा मतलब टेक्स्ट मतलब कम्युनिकेट करना है उससे, जी तो जी जी मैं कैसे मतलब करेंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ कि कोई जैसे मेल करना, और सबसे पहले तुमको सपोज ग्रीटिंग मैं ग्रीटिंग करिए, अगर मैसेज भी करते हैं तो सबसे पहले ग्रीटिंग करिए, हेलो सर, ग्रीटिंग्स फॉर द डे, ऐसे भी कर सकते हैं, हेलो ग्रीटिंग्स फॉर द डे, हेलो सर हाउ आर यू, ठीक है, माय नेम इज, अपना नाम वगैरह बता दें, जो आपका प्रेजेंट जो भी चल रहा है काम, चाहे आप एजुकेशन रिलेटेड काम चल रहा है, या फिर आप फ्रेशर हैं, जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, या फिर आप मैम पहले उसको ब्रेक ग्रेटिंग, लिए उनको हैं, ग्रेटिंग कर, 1 साल हो गया ग्रेटिंग उसको, करके अगर आपने मैं ब्रेक लिया है जॉब से, उसके अकॉर्डिंग अपना जो प्रेजेंट रोल है आप उनको बता दीजिए, और किस कंपनी में है वो कंपनी का नाम साथ में बता दीजिए, दैट माय नेम इज सर, ग्रेटिंग करके मैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम ऐसे मैं ग्रेटिंग करने के बाद मैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता था, सेकिंग ए जॉब मैं उसके अपॉर्चुनिटी। बाद मैं पहले उसको ग्रीटिंग करेंगे, ठीक है, ग्रीटिंग करेंगे, हेलो सर, गुड आफ्टरनून, ठीक है, यस नेक्स्ट मैम, यस मैम, पूछिए। क्वेश्चन क्वेश्चन करिए, सबसे पहले ग्रीटिंग करिए, क्योंकि आप देखिए आपको मैंने एटिकेट्स सिखाया था, राइट, टेलीफोनिक एटिकेट्स, एक याद है आपको, कल आई थिंक कराया था आपसे क्लास में, यस मैम, ठीक है, तो उसमें क्या था कि सबसे पहले आप ग्रीटिंग करेंगे, अगर आप इनिशिएट करें ग्रीटिंग करिए, तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, राइट, इंट्रोडक्शन देने के बाद आपका पर्पस ऑफ द कॉल जो है या पर्पस ऑफ द मैसेज जो है वो बताइए, ठीक है, सेम उसी तरह ईमेल राइटिंग में भी आप करते हैं, स्टार्टिंग आप पर्पस ऑफ ईमेल राइटिंग आप बता देते हैं कि हाँ इस पूरे ईमेल में आप ये बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, राइट, एंड देन अपना फर्दर डिस्क्रिप्शन देते हैं आगे चल के कि हाँ मैं ये पर्टिकुलर रोल में ये प्रोजेक्ट पे काम किया हूँ, इतने का एक्सपीरियंस है, सब चीज़ें आप सेकेंड पैराग्राफ में ईमेल राइटिंग में करते हैं। उसी तरह कॉन्वर्सेशन में भी सेम वही रूल अप्लाई होगा कि आपको सबसे पहले अपना ग्रीटिंग करना है, नाम अपना जो भी रोल है, नाम रोल और कंपनी जो भी है, या फिर कॉलेज, ठीक है, या आपका जो स्ट्रीम है प्लस जिस कॉलेज में वो बता सकते हैं, या यूनिवर्सिटी जो है वो बता सकते हैं, देन आई एम सर्चिंग फॉर जॉब, आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू दैट इज देयर एनी वर्क वैकेंसी अवेलेबल इन योर ऑर्गेनाइजेशन या इन योर कंपनी,
So if there is any vacancy, just let me know. Looking forward to your reply. ऐसा करके आप लिख सकते हैं, ठीक है? So या फिर continue करना है conversation. So could you please उनसे time मांगे, उनके पास time है कि नहीं? Lend me some important, precious times of yours. ऐसे करके आप वो कर दीजिए. And I just want to ask you something related to this particular role. And जो भी जिस role में आपको job चाहिए, उस role का आप बता दीजिए, कि आप अपना experience वगैरह आपके पास है तो वो सब चीजें बता दीजिए. Now I just want to know, is there any vacancy related to this particular role in your organization or company? ऐसे करके बता दीजिए. If it is, then just let me know. या फिर if there is any vacancy, just let me know. ऐसे करके आप बोल दीजिए. या फिर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा कि आपको कनेक्ट अपना नाम, ईमेल आईडी और हाउ टू करना है। यस, हाउ टू कनेक्ट विद प्रोफेशनल। ओके, तो समझ में आया सत्यांशु आपको क्या करना है? हेलो, एक्चुअली चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट किस तरीके का लिख, आंसर देना है? प्रॉम्प्ट हाउ टू करना है। यस, हाउ टू कनेक्ट विद प्रोफेशनल। ओके ओके, ठीक है. एक्चुअली प्रॉम्प्ट मैंने आपको लिखना वो उसमें चैट थोड़ा सा जीपीटी टिपिकल बताया था, राइट? आपने उसको यूज किया? जो मतलब लिखना है, जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको इस मतलब एक्चुअली सही जिससे जी जवाब नहीं अविनाश, मेरे पाता साइड उसमें। नेटवर्क इशू थोड़ा सा है जी, क्या अमन? एक्चुअली प्रॉम्प्ट लिखना उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट, प्रॉम्प्ट, जो मतलब लिखना है, जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी, इस मतलब एक्चुअली सही जिससे जवाब नहीं मिल पाता उसमें। ठीक. आपको मैंने कल चैट जीपीटी का बताया था यूज करने को. सबसे पहले आप उस पे लॉग इन कर लीजिए, एक बार सिर्फ लॉग इन कर लीजिए. देन उस चैट जीपीटी से आप पूछिए कि आई जस्ट वॉन्ट टू नो हाउ टू कम्युनिकेट फॉर द फर्स्ट टाइम विद द इंटरव्यूअर और द डायरेक्टर और द एचआर मैनेजर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर रोल रिलेटेड टू जॉब सर्च. ऐसा करके भी आप टॉपिक वहाँ पे डाल सकते हैं. एंड देन वो आपको कॉन्वर्सेशन एग्जाम्पल्स यस लिखना है आपकी. गिव सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू हाउ टू कम्युनिकेट विद एचआर मैनेजर फॉर द फर्स्ट टाइम रिलेटेड फॉर दिस यस पर्टिकुलर रोल. मैम, ठीक है, जिस भी रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. वो लिमिटेड इतना पूछ लिया कि लिमिटेड खत्म हो गई उसके। अविनाश, आपने यूज किया था चैट जीपीटी? वो और एक डे की लिमिट रही थी, मतलब उसको क्वेश्चन करने की, या फिर उसके लिए अविनाश, फिर आपने यूज प्रो वर्जन देना किया पड़ता था उसके चैट बाद। जीपीटी ऐसा और फर्स्ट टाइम? हाँ, उसी चैट जीपीटी 4 होता वो पेड वर्जन अच्छा रहता है कि मतलब 3.5 लिमिटेड। नहीं, ऐसा नहीं है. तो आप फ्री वर्जन यूज, मैंने जो लिंक हाँ आपको दिया था हाँ फ्री वर्जन में आप अनलिमिटेड यूज कर हाँ सकते उसी से किया था, उसी से किया था। हैं. एक चैट जीपीटी 4 है और चैट जीपीटी 4.5 भी है. क्या बहुत ज्यादा चैट ही पूछ जीपीटी लिया 3.5, 3 पॉइंट या 3 जो है वो आप यूज करिए. का अभी अवेलेबल नहीं है, क्या क्या पूछा? बट मैंने जो लिंक आपको दिया था आप वो हम्म, एक चीज ओपन क्या क्या करिए. क्वेश्चन पूछा चैट जीपीटी? बहुत कुछ पूछे अभी, वो दूसरे भी क्वेश्चन पूछे मैंने, इधर उधर के बहुत पूछे। हाँ, क्वेश्चन पूछा चैट जीपीटी? यस मैम, दैट यू कैन डिस्कस आफ्टर द क्लास. ठीक है, आप लोग बाद में पूछ लेना एक दूसरे से. यस मैम। सो नाउ बिसाइड दिस, मैं हर एक इंडिविजुअल से पूछना चाहूंगी कि आपका क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ यस है. मैम, तो यू पहले विल कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था बोलने का, लेकिन कॉन्फिडेंस अमन, थोड़ा बहुत डेवलप। अपना माइक ऑन. नाउ आपने ये
क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको डिफिकल्टी फेस पहले सोचना पड़ता था कि मैं क्या बोलूं, थोड़ा सा कम नोटिस किया सोचना ना, पड़ता है इस फील्ड बोलने में के मुझे लिए। हेल्प मिला यहाँ से। जी बताइए, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था बोलने का। जी कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया अभी। यस जी। और पहले सोचना पड़ता था कि क्या बोलूं, थोड़ा सा कम सोचना पड़ता है। जी ओके ओके, क्योंकि अब आपकी हैबिट बन गई है, किसी भी रैंडम टॉपिक को दे दिया जाए तो आपको बोलना, यहाँ पे प्रैक्टिस कराया गया राइट, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ मुझे अगर ऐसा टॉपिक तुरंत दे दिया जाता है तो मुझे किस तरीके से बोलना है। ओके तो सबसे पहले आपको फैक्ट अगर पता है तो फैक्ट बता दीजिए, डेफिनेशन पता है तो डेफिनेशन बता दीजिए, हिस्ट्री पता है तो हिस्ट्री बता दीजिए, प्रेजेंट में कोई न्यूज है तो न्यूज बता के इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, देन आगे चल के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर सकते हैं, या उसके टाइप्स डिस्कस कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड कॉज एंड इफेक्ट डिस्कस कर सकते हैं, देन आगे चल के कंक्लूजन दे सकते हैं, जो भी आपने बॉडी पार्ट में जो भी बताई होंगी अपनी बातें राइट, तो कंक्लूजन में आप सजेशन दे सकते हैं, वे फॉरवर्ड दे सकते हैं, या आपने जो भी बातें बताई हैं उससे रिलेटेड हर एक जो पॉइंट आपने बताया था उससे रिलेटेड हर एक पॉइंट से रिलेटेड कि हाँ हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से। एक्चुअली बहुत कम राइटिंग हम लोग का हो रहा है एंड जनरली मेल के लिए ही राइटिंग मतलब होता है। सो बिसाइड दिस और कहां पे हेल्प मिला आपको? मैं अबाउट राइटिंग में भी हेल्प मिला है ड्यू टू ईमेल एटिकेट एंड आपने क्लास में जो बताया पीडीएफ से शेयर किया। बहुत कम राइटिंग हम लोग का हो रहा है जनरली मेल के लिए ही राइटिंग मतलब होता है। जी जी जी। अबाउट राइटिंग में भी हेल्प मिला है ड्यू टू ईमेल एटिकेट एंड आपने क्लास में जो बताया जी 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 जी। वहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप वो एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं अपने ओवरऑल न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, ट्यूटोरियल को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना, और ये भी समझ में आया ना, उससे रिप्लेस कर सकते हैं ठीक है। चलिए और कोई चेंजेस आपने नोटिस किए? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में इम्प्रूव आया और हाँ वही, और मतलब सोचने की मतलब आ गया थोड़ा कि मतलब हाँ क्या ऐसा सोच सकते और बोल सकते कर दे, मतलब कैसे सोचना है, कैसे वर्ड फॉर्मेशन सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, वो मतलब थोड़ा आ गया है क्या बोलना है, थोड़ा अब थोड़ा इजी हो गया पहले से। हाँ मतलब वो भी इतना है कि बस अभी प्रैक्टिस करना है। Thank you.
स्टेटमेंट बनाएंगे तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। मीनिंग समझ के स्टेटमेंट बनाना है, ऐसे ही स्टेटमेंट बनाएंगे तो याद नहीं रहेगा। सबसे पहले उसका मीनिंग समझिए कि मतलब क्या है इसका, एंड उसके अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट खुद से बना के वो याद कर सकते हैं या ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर। नाउ लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, सो प्रेजेंटेशन स्किल्स पे आते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होता है? आपने नोटिस किया होगा मार्केटिंग जो करते हैं राइट, वो क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं राइट। मार्केट जो सेल्स मैनेजर वगैरह होते हैं या जो मार्केट, आपने इवन शॉपकीपर्स वगैरह को भी देखा होगा कि प्रोडक्ट उनको जब बेचना रहता है, खास तौर से आप कपड़ों के जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको देख सकते हैं कि वो रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वी विल डेल्व इनटू एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो क्या है, प्रेजेंटेशन स्किल। नाउ चाहे आप सेल्स पिच दे रहे हो या अपने टीम को रिपोर्ट कर रहे हो या प्रोडक्ट अपडेट रिलेटेड चीज़ें कुछ डिलीवर कर रहे हो, तो उस वक्त आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए परसुएसिवली और अपने ऑडियंस को एंगेज करने के लिए। आपने नोटिस किया कि जब आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो आपको कपड़ा पसंद नहीं आता है तो वो सामने वाला जो दुकानदार रहता है वो बोलता है कि बहुत अच्छा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इतने का डिस्काउंट, वो किस तरीके से आपको परसुएड करता है, कैन यू सी, तो आपको कन्विंस करने की हर एक कोशिश करता है। एंड वो कपड़े की क्वालिटी बताना शुरू कर देते हैं एंड आप नोटिस करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं परसुएड करने की। तो वो क्या है, एक तरीके से उनका प्रेजेंटेशन स्किल है कि वो अपने प्रोडक्ट को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, आपको कन्विंस कर ले रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाई करने के लिए। ठीक है, तो कुछ की एलिमेंट्स आपके प्रेजेंटेशन स्किल से रिलेटेड है। The importance of presentation skill. Presentations are an integral part of professional life, showcasing your ideas, expertise and values to others. So, presentation क्या है आपका? एक professional life का integral part है, जिसमें आप क्या करते हैं, अपने ideas को दिखाते हैं, जो आपका expertise है वो भी, means expertise means किसी को अपनी बातों से मनवा लेना, उसको क्या कहते हैं, persuade करना ही, right? तो वही चीज बोल रहा है कि showcasing your ideas, expertise and values to others means आप expert हैं, लोगों को अपनी बातें मनवाने में expert हैं। ठीक है, then a well delivered presentation can leave a lasting impression, build credibility and influence decisions। ठीक है, तो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हैं तो वो बहुत दिनों तक लोगों को याद रहता है, उससे क्रेडिबिलिटी आपकी बिल्ड होती है और डिसीजन इन्फ्लुएंस करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कस्टमर वाला ही एग्जांपल मैंने दिया कि पहले वो नहीं खरीद रहा था लेकिन उसने इतने तरीके से उनको पर्सुएड किया कि सामने वाले पर्सन को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा कि हाँ अब उसे खरीदना ही खरीदना है। It is an opportunity to demonstrate your communication abilities, confidence and leadership qualities. So, presentation skill क्या है? एक opportunity है। क्या करने के लिए? Demonstrate करने। क्या demonstrate करना? आपका communication abilities, आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं, आपका confidence, आप जब customer को convince कर रहे हैं तो आप confident हैं कि nervous हैं, आपका leadership quality भी नज़र आता है जब आप convince या आप presentation वगैरह कुछ देते हैं तो। Then, की एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। आपके इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के की एलिमेंट क्या क्या होने चाहिए? अ वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन फॉलोज अ क्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है, मान के चलिए कि आप जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट देते हैं राइट। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, आपका ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, जैसे एसे वगैरह में भी मैंने बताया था कि आपका एसे का जो इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है, गेटवे होता है रीडर का अटेंशन कैप्चर करने के लिए राइट। उसी तरह किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन, चाहे वो प्रेजेंटेशन रिलेटेड हो, चाहे एसे राइटिंग हो, चाहे ईमेल राइटिंग हो, हर चीज़ का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है, एक तरीके से गेटवे होता है ऑडियंस का या रीडर का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, कैप्चर करने के लिए।
ठीक है, एंड अपना पर्पस, आपने किस लिए ये लेटर लिखा, किस लिए ये एसे लिखा, या किस लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब चीजें आपका इंट्रोडक्शन पार्ट से ही पता चल जाता है। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्लियर हो गया दो चीजें, एक ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना, कैप्चर करना, और दूसरा पर्पस बताना कि हम प्रेजेंट किस लिए कर रहे हैं। देन मेन कंटेंट, मेन कंटेंट में क्या होगा, प्रेजेंट योर की पॉइंट विद सपोर्टिंग एविडेंस और एग्जांपल्स। तो मेन कंटेंट में आप क्या करते हैं, अपने की पॉइंट उसमें बताते हैं कि हाँ हम ये चीजें डिस्कस करेंगे, विद कुछ एग्जांपल्स के साथ आप बता देते हैं, या कोई फैक्ट वगैरह रहता है तो आप उसके थ्रू भी आप बता देते हैं। देन कंक्लूजन पार्ट में आपने जो भी मेन पॉइंट बताए थे उसको समराइज कर देते हैं और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ एंड करते हैं। सो ये होता है आपका प्रेजेंटेशन का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, देन मेन कंटेंट होना चाहिए, एंड देन कंक्लूजन होना चाहिए। ये है आपका वेल ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन। देन नो योर ऑडियंस, जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आपको अपने ऑडियंस को भी समझना होगा कि किस तरह की ऑडियंस होगी। टेलर योर प्रेजेंटेशन, अपने प्रेजेंटेशन को उस तरीके से तैयार करें। टेलर का मतलब क्या है कि तैयार करना एक तरीके से। टेलर योर प्रेजेंटेशन टू सूट द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ योर स्पेसिफिक ऑडियंस। कुछ अपने प्रेजेंटेशन के इस तरीके से तैयार करिए कि जो जो ऑडियंस आपका देख रही है, जिस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, वो उसके नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका प्रेजेंटेशन बना हुआ है। देन विजुअल एड्स, यूटिलाइज विजुअल्स लाइक स्लाइड्स का यूज करिए, ग्राफ्स का यूज करिए, इमेजेस का यूज करिए, टू एनहेंस अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेन एंगेजमेंट, कीप देम सिंपल क्लियर एंड रिलेवेंट। तो अपने प्रेजेंटेशन को आप और एनहेंस करने के लिए इमेजेस, स्लाइड्स और ग्राफ का यूज कर सकते हैं, ताकि उससे और अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, जो भी ऑडियंस आपके सामने बैठी होगी उनको समझ में आए और चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। एक तरीके से उनके साथ मेंटेन एंगेजमेंट मेंटेन करना, या उनके साथ एक कह सकते हैं बॉन्ड डेवलप करना होता है कि अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू। प्रेजेंटेशन को अपने सिंपल, क्लियर और रिलेवेंट रखें। मीन्स जो आपका प्रेजेंटेशन का टॉपिक है और जो प्रेजेंटेशन के अंदर लिखा हुआ है, वो दोनों चीज़ें सेम मिलती जुलती होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो है एनवायरमेंट के ऊपर प्रेजेंटेशन दिया है एंड उसके अंदर आपने क्या कर दिया, स्पोर्ट से रिलेटेड कंटेंट लिख दिया, तो दोनों रिलेवेंट है नहीं, राइट? सो आपको रिलेवेंट भी रखना होगा। देन डिलीवरी, वर्क ऑन योर टोन, पेस एंड क्लैरिटी, अवॉइड स्पीकिंग टू फास्ट और टू स्लो, एंड प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस इन योर वॉइस। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जस्ट अ सेकंड, लेट मी ड्रिंक वाटर। जी इतना कोई कुछ बोल रहा था अभी? ओके, नाउ जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको प्रेजेंटेशन देने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि आप प्रिपेयर्ड हैं। सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। नाउ जब आप सामने बात कर रहे हो, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उस वक्त आपको ध्यान देना है कि आपका जो टोन है वो किस तरीके का टोन है। गुस्से में तो आप नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, और या फिर आप जो है रोते हुए तो नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को। देन उसके अलावा पेस, पेस मतलब होता है स्पीड, मीन्स कहीं बहुत ज़्यादा फास्ट या कहीं बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं आप बोल रहे हैं, और आप कितना क्लियर बोल रहे हैं, वो चीज़ें पे भी आपको ध्यान देना होगा जब आप अपना प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे होंगे। तो किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है कि जैसे ही आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो या दे रहे हो, तो आप ध्यान दें कि आपका जो टोन है वो किस तरीके का टोन यूज़ हो रहा है। पेस यानी आपका जो स्पीड है, बहुत ज़्यादा बोलने का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज या बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और कॉन्फिडेंस भी आपके वॉइस में नज़र आनी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रेजेंटेशन स्किल में। आप हर किसी ने आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे प्रोजेक्ट रिलेटेड प्रेजेंटेशन दिया होगा या सेमिनार दिया होगा। यस मैम, यस मैम, प्रेजेंटेशन बनाया है लेकिन एनीवन,
मतलब यस मैम दिए हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस हॉल में एक होता है वो नहीं दिए, मतलब अपने स्टूडेंट के सामने दिए हैं, अपने जो क्लास का स्टूडेंट के सामने दिया है। अमन आपने? यस मैम मैंने दिया था, ये कॉन्क्रीट रिविजन पेमेंट पे दिया था, वो लास्ट ईयर लास्ट टाइम में डिप्लोमा में और बीटेक में लास्ट टाइम में दिया था प्रेजेंटेशन पर, लास्ट टाइम में तो मिक्स डिजाइन का था मैम। कॉलेज में तो कुछ ऐसा मौका नहीं मिला मैम, लेकिन अपने बीएम बेस पे मैंने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दिया था जो यूट्यूब में भी है। शायद आपने प्रेजेंटेशन दिया है कॉलेज में तो कुछ ऐसा मौका नहीं मिला मैम, लेकिन जब मैं ऑनलाइन दे रहा था मैम तब मुझे थोड़ा संभल हो रहा था उस वक्त में। और मींस आपको ऐसे लाइव और मींस ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है ऑफलाइन देना इस तरीके से, कैसे इसको नहीं मिला है? सो मींस लाइक आप जब बात कर रहे थे कॉन्फिडेंस इशू तो नहीं आता आपको? ठीक है तो मैं क्या करूंगी, संडे छुट्टी है राइट आपका, तो मंडे को मैं प्रेजेंटेशन आप लोगों से 5-5 मिनट का प्रेजेंटेशन दीजिएगा मेरे सामने, ठीक है? एंड जी एंड हो सके तो आप अपना कैमरा भी ऑन रखिएगा जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, ठीक है? बिसाइड दिस जी बिसाइड दिस टॉपिक आप या तो खुद से डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस पे प्रेजेंटेशन देना है, अगर आपको टॉपिक नहीं मिलता है तो मैं अपने एंड से प्रेजेंटेशन दे दूंगी, ठीक है? प्रेजेंटेशन टॉपिक दे दूंगी, सॉरी। सो समझ में आ गया सबको, मंडे को प्रेजेंटेशन आपको देना होगा मंडे को, इसलिए संडे आपका ब्रेक है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन वगैरह का एंड उसको मंडे को आप रिप्रेजेंट करिए, मैक्सिमम आप 6 स्लाइड रखिएगा मैम। फूड टॉपिक कोई भी कुछ भी हो सकता है ना, सपोज जैसे सिविल फील्ड का भी कोई भी टॉपिक उठा लिया उस पे डिस्कस, मतलब प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है? वो सारी चीजें आपकी देखी जाएंगी। तो एवरीवन प्रेजेंटेशन आपको टॉपिक चाहिए मेरे एंड से या फिर आप खुद से प्रिपेयर करेंगे अपने सेल्फ से? मैम फूड टॉपिक कोई भी टॉपिक हो सकता है, सपोज जैसे सिविल फील्ड का भी कोई भी टॉपिक उठा लिया जी उस पे डिस्कस, मतलब प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दिया। जी 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 आप कोई भी टॉपिक दीजिए, मैं मुझे कोई इशू नहीं अगर सिविल से रिलेटेड भी रहता है, बट क्योंकि आप सबके पास नॉलेज है राइट, एवरीवन नोज अबाउट सिविल इंजीनियरिंग, बट सिर्फ मेरे साथ ऐसा है तो मैं वो चीजें जज नहीं करूंगी कि आपने जो बोला है वो मुझे समझ में आ रहा है, मैं नोटिस करूँ कि आप बोल पा रहे हैं कि नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल का है कि नहीं, आपका जो बोलने का स्पीड है वो स्लो तो नहीं है या फास्ट तो नहीं है, या आप जो है नर्वस तो नहीं फील कर रहे हैं, या आपने जो है प्रेजेंटेशन भी सही से आपने प्रिपेयर किया है कि नहीं, स्ट्रक्चर को सही से फॉलो किया है कि नहीं, एंड बिसाइड दिस आपने विजुअल्स वगैरह का यूज़ किया है कि नहीं, ग्राफ्स या इमेजेस का यूज़ किया है कि नहीं, ये सब चीज़ें जो है नोटिस की जाएंगी आपकी, ठीक है? नाउ देन बॉडी लैंग्वेज चेक करने के लिए मैं अगर आपको बट मैम जैसे स्क्रीन शेयर करेंगे तो फिर मेरे कैमरा दिखेगा मुझे नहीं दिखेगा ना मैम आपको, मैं किस तरह बोल रहा हूँ? साइड में आई थिंक आपका ओपन रहेगा कैमरा, स्क्रीन एक जगह रहेगा, आप साइड में आपका वो रहता है, जैसे अभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो पर्सन यहाँ पे दिख रहा है, आपका कैमरा इधर पे दिख रहा है राइट, मींस आपका जो भी पर्सन है तो यहाँ पे आप दिखेंगे सामने राइट। अविनाश ने जस्ट ऑन किया मैम, वो मैम जो उसके पहले प्रेजेंटेशन में कॉलेज वाला दिया था मैं उसी पे तैयार कर लेता हूँ, टॉपिक रिलेटेड मींस आपको या आप जैसा बताइए या आपको टॉपिक दे दीजिए मैम।
मैम आप या आप पूरी टॉपिक दे दीजिए, उस पर प्रिपरेशन कर लूंगा। टॉपिक आप खुद से कर लेंगे ओके। कब रहेगा मैम प्रेजेंटेशन? ठीक है कर सकते हैं, आप जैसा बताइए। 6 स्लाइड मैंने बोले, बस 6 स्लाइड, सिर्फ 6 स्लाइड। ठीक है मैं आप सबको आफ्टर क्लास टॉपिक शेयर कर दूंगी आज ही, एंड आप उस पे कल पीपीटी वगैरह तैयार करके। कब रहेगा मैम प्रेजेंटेशन? मंडे। ठीक है 6 स्लाइड मैक्सिमम, क्योंकि टाइम सबको देना है प्रेजेंट करने के लिए। चलिए यस मैम, मैं जब फर्स्ट टाइम डिप्लोमा में दिया था तब रिजिक के रोड पर था। मतलब मैम मेरा उस टाइम क्या हम बोल रहे थे, दिमाग से कुछ नहीं समझ आ रहा था, बस बोल रहे थे ऐसा सीन था, और क्या बोल रहे थे कुछ नहीं समझ आ रहा, ना किसी का आवाज सुनाई दे रहा था ना कुछ कर रहा था, ऐसा सीन था। मैं जब फर्स्ट टाइम डिप्लोमा में दिया था तब। अच्छा हो रहा था, और बात आपकी बातें क्लियर निकल रही थी कि सिर्फ बॉडी शिवर कर रहा था, मींस आपकी बातें सामने वाले को समझ में आ रही थी। ओके चलिए, बट इस बार आप मंडे को, सिंस आपका प्रेजेंटेशन है ना, देखिए मैं आपको फिर से अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, मंडे को आपका फिर से प्रेजेंटेशन, उस दिन कोशिश करिएगा कि आप नर्वस ना फील करें और बातें जो आप बोल रहे हो क्लियर सुनाई दे सबको। ठीक है तो टॉपिक मैं सबको दे दूंगी। सुनील आर्य दे, सुनील ओके आई थिंक इज नॉट देयर। ओके देन इंटरएक्टिविटी, नाउ बॉडी लैंग्वेज फिर से आते हैं। बॉडी लैंग्वेज आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, मैंने बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड आपको पीडीएफ भी शेयर किया, आप उसको गो थ्रू कर लेना ना। इसमें आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, पर्पजफुल जेस्चर्स देने हैं आपको, स्टैंड और सीट विद गुड पोस्चर, लाइक स्लाउचिंग पोजिशन नहीं होना चाहिए जब आप बैठे हो, राइट। देन स्ट्रेट होना चाहिए आपका शोल्डर, बैकबोन ये सब स्ट्रेट होना चाहिए। इंटरएक्टिविटी, एनकरेज ऑडियंस पार्टिसिपेशन थ्रू क्वेश्चंस, पोल्स और स्मॉल एक्टिविटीज, दिस पोस्चर एंगेजमेंट एंड मेक्स योर प्रेजेंटेशन मोर इंटरएक्टिव। तो इंटरएक्टिव कैसे होंगे, अपने प्रेजेंटेशन को इंटरएक्टिव कैसे बनाएंगे, जब आप सामने वाले पर्सन से भी बात कर रहे होंगे, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, या फिर कुछ पोल वगैरह की मतलब यस और नो का वो करा रहे कि कितने लोग एग्री करते हैं कितने लोग नहीं एग्री करते हैं, इस तरीके का पोलिंग आप करवाते हैं, या कुछ एक्टिविटी वगैरह करा लेते हैं, गेम्स वगैरह करा लेते हैं अपने प्रेजेंटेशन को इंटरएक्टिव बनाने के लिए। ठीक है ये कुछ तरीके हैं लोगों का, एक तरीके से अटेंशन कैप्चर करने का एक तरीका होता है, लोगों को अटेंटिव कराना कि हाँ मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ सुन लो बाबा सुन लो, ऐसा करके रहता है कि मतलब ये सब क्वेश्चन पूछना, पोलिंग करवाना, स्मॉल एक्टिविटीज करा के आप उनको क्या कर सकते हैं, एंगेज करा सकते हैं। दिस फोस्टर एंगेजमेंट्स एंड मेक योर प्रेजेंटेशन मोर इंटरएक्टिव। देन हैंडलिंग क्वेश्चंस, बी प्रिपेयर्ड टू आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस कॉन्फिडेंटली एंड रेस्पेक्टफुली। नाउ आपने नोटिस किया अगर जब आप कॉलेज में प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो आपके फैकल्टी ने पूछा होगा आपसे क्वेश्चन, राइट। सो क्या आप प्रिपेयर्ड थे उस क्वेश्चन के लिए कि हाँ सर हो सकता है ये क्वेश्चन पूछेंगे मुझे इसका आंसर देना होगा, वॉज देयर एनीथिंग लाइक आपने ऐसा किया था जब आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे थे अपने कॉलेज में या मैंने तो लाइव नहीं दिया हूँ लेकिन ऑनलाइन में जो भी क्वेश्चन आया उसको रिप्लाई किया हूँ। एक्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं पूछता यस और नो, एक्चुअली प्रेजेंटेशन में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस और नो आई वांट टू हियर, मैंने तो लाइव जी लाइव नहीं दिया हूँ लेकिन ऑनलाइन में जो भी क्वेश्चन आया उसको रिप्लाई किया हूँ। ओके और एक्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा किसी ने कोई क्वेश्चन। ओके चलिए अविनाश, प्रेजेंटेशन में बहुत कम क्वेश्चन नहीं है ऐसा कुछ नहीं, प्रेजेंटेशन जब होता था मैंने प्रेजेंटेशन दिया बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप हुए मेरे टाइम पे। सो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन भी उठते हैं जिसका आपको आंसर देना रहता है, फैकल्टीज आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपके ऑडियंस जो होंगे वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे।
आपने नोटिस किया होगा कि आप हो सकता है कभी ऑडिटोरियम वगैरह में गए होंगे जहाँ पे, या फिर पॉलिटिशियंस का एग्जांपल ले लीजिए, जब वो भाषण देते हैं राइट, तो ऑडियंस में से भी तो लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो पॉलिटिशियंस भी प्रिपेयर्ड रहते हैं राइट, कि हाँ ऑडियंस मुझसे ये क्वेश्चन पूछेगी, मुझे इसका आंसर पहले से प्रिपेयर करके रखना कि हाँ मुझे उनसे बोलना किस तरीके से है राइट, किस तरीके से परसुएड भी किया जा सकता है, वो इस पे भी वो अपना प्रैक्टिस करके रहे होंगे। देन नेक्स्ट आता है आपका टाइम मैनेजमेंट, आपको अपने ऑडियंस का टाइम का ध्यान देना होगा, रेस्पेक्ट करना होगा ठीक है, बाय स्टेइंग विद इन द अलॉटेड टाइम फ्रेम, प्रैक्टिस टू एंश्योर योर प्रेजेंटेशन फिट द टाइम लिमिट, मीन्स आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कोशिश करें कि बहुत लंबा प्रेजेंटेशन आपका ना हो, जो उतना ही रखिए जितना आपके ऑडियंस जो है उस लिमिट में फिट कर, उस टाइम लिमिट में ठीक है। देन टिप्स क्या क्या है आपके इम्प्रूवमेंट के, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिहर्स योर प्रेजेंटेशन मल्टीपल टाइम्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड आयरन आउट एनी इश्यूज, तो बोल रहा है कि आपको इम्प्रूव, अगर अपना प्रेजेंटेशन स्किल इम्प्रूव करना है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें उतना जल्दी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और कोई भी इशू जो आपके प्रेजेंटेशन में आ रहा है आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। देन रिकॉर्ड योर सेल्फ, बोला यूज वीडियो रिकॉर्डिंग टू रिव्यू योर परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, तो आप खुद का वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं एंड चेक कर लें कि आप में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। देन सीक फीडबैक, आस्क ट्रस्टेड कलीग और मेंटर्स टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल, तो आप हो सकता है किसी और फ्रेंड वगैरह का हेल्प ले सकते हैं, कलीग या मेंटर्स का हेल्प ले सकते हैं ठीक है, आप जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उससे रिलेटेड फीडबैक लेने के लिए कि क्या मैंने प्रेजेंटेशन जिस तरीके से दिया है सही दिया है, तो आपको वो सजेशंस देंगे। यस रिसर्च मैम। योर कंटेंट, अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट मैटर थोरली टू हैंडल क्वेश्चंस एंड अनसर्टेनिटीज इफेक्टिवली, तो आपको जब आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको, जस्ट अ सेकेंड, इज माई स्क्रीन विजिबल, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके, यस मैम। नो योर कंटेंट, तो बोला है कि आप जो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उससे रिलेटेड फुली प्रिपेयर्ड रहिए, थरली प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन आपको पता नहीं किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए उनको हैंडल आपको इफेक्टिवली करने के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना होगा ठीक है, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड। देन मैनेज नर्वसनेस, नर्वसनेस जो है नेचुरल है, नर्वस होना नेचुरल चीज़ है कि अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ये लाजमी है कि आप नर्वस होंगे, बट आप उस नर्वसनेस को दूर कैसे करेंगे, प्रैक्टिस से और प्रिपरेशन से, प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन कैन हेल्प रिड्यूस इट, टेक डीप ब्रीथ बिफोर स्टार्टिंग एंड विजुलाइज अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन, सो आपको जब नर्वसनेस फील हो तो आप 10 to 1 काउंट डाउन कर सकते हैं, 10 9 8 7 6 इस तरीके से कर सकते हैं, या एक लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं ठीक है, उससे आपको, या फिर आपका जो रिंग फिंगर है उसको थंब से पिंच करेंगे थोड़ी देर के लिए, एंड उससे भी थोड़ा आपका नर्वसनेस दूर होने के चांसेस रहते हैं। सो नर्वसनेस दूर करने का तरीका क्या है, आप प्रैक्टिस और प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, एंड अगर आपको ऐसा फील होता भी है तो लंबी गहरी सांसें लीजिए ठीक है, एंड इमेजिन कर लीजिए, विजुलाइज कर लीजिए एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन की, हाँ आप एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, काउंट डाउन कर सकते हैं, 10 to 9 भी कर सकते हैं, 10 to 1। देन इंगेज विद ऑडियंस, आपको अपने आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना होगा डिफरेंट इंडिविजुअल से एंड ट्राई टू कनेक्ट विद दैम पर्सनली, आपको हर एक इंडिविजुअल से पर्सनली कनेक्ट करी, लाइक आई यूज टू, आज मैंने हर किसी से इंटरेक्ट किया राइट, कोई ऐसा पर्सन नहीं रह गया जिससे मैंने इंटरेक्ट नहीं किया होगा आज की क्लास में राइट, ये एक आपका क्या है, प्रेजेंटेशन स्किल है। तो देन यूज स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स, आप स्टोरीज और एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल का यूज करिए ताकि अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा रिलेटेबल एंड मेमोरेबल बना सके, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया था कस्टमर का राइट, जो साड़ी या कपड़े वगैरह बेचते हैं उसका एग्जाम्पल आपके सामने दिया था। बिसाइड दिस फोकस ऑन बेनिफिट्स, हाईलाइट द बेनिफिट्स एंड रिलेवेंस ऑफ योर आइडिया टू द ऑडियंस, शोइंग हाउ इट कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स और एड्रेस देयर नीड्स,
आपके प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स होंगे, मान लीजिए आपने डैम रिलेटेड प्रोजेक्ट आपने प्रेजेंटेशन दिया, ठीक है, देन उस डैम से रिलेटेड आप उनको बेनिफिट्स वगैरह बता सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा इस के बनने से, ये सब चीज़ें आप बेनिफिट उनको बताएंगे, ये उन ऑडियंस को जो है उनको शेयर करेंगे इसका बेनिफिट, एंड किस तरीके से उनका जो भी डेली लाइफ नीड प्रॉब्लम्स जो भी आ रही है उनको रिजॉल्व किया जा सकता है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू, उस प्रेजेंटेशन आप इस तरीके से बताएंगे, या उनकी जो भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज हैं yes, उनको भी आप सामने एड्रेस करेंगे, मीन्स बताएंगे कि हाँ आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम इनको इस तरीके से देन लर्न फ्रॉम अदर्स, अटेंड अदर प्रेजेंटेशन वर्कशॉप और वॉच टेड टॉक्स, आप टेड टॉक्स देखते हैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा टेड टॉक्स, हैव यू गॉन थ्रू दैट टेड टॉक्स, किसी ने देखा है? यस ओके, और किसी ने, और कोई? नो मैम, नहीं, आप YouTube पे देखिएगा टेड टॉक्स अवेलेबल होगा जहाँ पे लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, इंग्लिश में ही बातें करते हैं वो, हिंदी में नहीं, वो अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह भी शेयर करते हैं, तो बहुत हेल्पफुल है वहाँ पे, मीन्स जो सक्सेसफुल पर्सनालिटीज होती ज़्यादातर वही लोग आते हैं, ठीक है, टेड टॉक्स में, yes, गो थ्रू इट, टेड टॉक्स आप सर्च करिए एंड देख लीजिए, लेट मी जस्ट वेट, नेटवर्क इशू आ रहा है, ओके, इज इट विजिबल, मेरी स्क्रीन दिख रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको, ना, और आपको क्या yes, करना है, कीप इंप्रूविंग कंटिन्यूअसली, सीक अपॉर्चुनिटी टू रिफाइन योर प्रेजेंटेशन स्किल, ज्वाइन पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप और वर्कशॉप इफ पॉसिबल, तो आप अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करते रहिए, ठीक है, किस तरीके से इम्प्रूव करते रहेंगे, पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप ज्वाइन करके, वर्कशॉप ज्वाइन करके, ठीक है, आप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को, या फिर आप सीक अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका ढूंढिए, कंटिन्यूसली मौका ढूंढते रहिए अपने प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव करने का, सो प्रेजेंटेशन स्किल एक वाइटल एसेट है, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है बोल रहा है आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड में, बाय स्ट्रक्चरिंग योर प्रेजेंटेशन, आप अपने अगर प्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चर कर सकते हैं बहुत अच्छे से, तो उससे आप अपने ऑडियंस को देन नाउ सबसे पहले प्रेजेंटेशन स्किल से रिलेटेड चीज़ें बता रहे कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंटेशन देना है, अपने ऑडियंस को पहचानना है, विजुअल्स वगैरह का अच्छे से यूज़ करना है, किस टोन में आप डिलीवर करें प्रेजेंटेशन वो मैटर करता है, क्योंकि उससे क्या होगा, एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ेगा आपके ऑडियंस पे या लिसनर्स पे, तो इसलिए बोला है रिमेंबर प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट आर द की टू बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन, तो प्रैक्टिस 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 जैसे बोला है वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा आप लोग जैसे पूछ रहे थे अभी कि क्या हमें कम्युनिकेशन की क्लासेस फर्दर करनी चाहिए, तो मैंने क्या सजेस्ट किया कि आपने तो लर्निंग फेज कम्प्लीट कर लिया, आपको अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, राइट, तो सिर्फ प्रैक्टिस ही वो तरीका है जिससे आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ लाइव एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट अपडेट प्रेजेंटेशन, द प्रेजेंटेशन प्रेजेंटर्स फॉलो अ क्लियर स्ट्रक्चर स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन फॉलोड बाय की पॉइंट डेटा ड्रिवन एविडेंस एंड कंक्लूडिंग विद एक्शनेबल रिकमेंडेशन, दिस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हेल्प द ऑडियंस अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली एंड कीप द प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज्ड, सो इसमें एग्जाम्पल एक दिया हुआ है कि जब प्रोजेक्ट अपडेट प्रेजेंटेशन होता है तो जो प्रेजेंटर होता है वो क्या करता है, क्लियर स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जिसमें क्लियर स्ट्रक्चर में क्या होता है, वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता है, उसके बाद वो की पॉइंट लिखता है, देन कोई भी डेटा अगर उससे रिलेटेड रहता है, फैक्ट वगैरह रहता है, तो वो एज ए एग्जाम्पल एज ए एविडेंस एज ए प्रूफ वहाँ पे एड कर देता है, देन कंक्लूजन दे देता है कि हाँ हमें फर्दर क्या एक्शन या सजेशन वगैरह भी देना होता है, तो वो वहाँ पे फर्दर फाइनली कंक्लूजन पार्ट में दे देता है, तो ये एक तरीके से आपका स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है ऑडियंस को समझाने के लिए इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली और अपना प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, देन इंगेजिंग विजुअल्स इन अ मार्केटिंग पिच द प्रेजेंटेशन प्रेजेंटर इनकॉर्पोरेट विजुअली अपीलिंग स्लाइड्स विथ रिलेवेंट इमेजेस ग्राफ्स एंड चार्ट यूज ऑफ इंगेजिंग विजुअल्स एनहेंसेज द ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज बीइंग ऑफर्ड एंड मेक द प्रेजेंटेशन मोर मेमोरेबल, जैसे आपने नोटिस किया होगा कहीं पैम्पलेट वगैरह लगा रहता है तो
आप वहां पे प्रेजेंटेशन चलता रहता है, किसी कॉलेज का आप एडवर्टाइजमेंट आप देख लीजिए, राइट। तो वहां पे कोई एक पर्सन भी रहता है जो प्रेजेंट करता है, राइट। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे जैसे सेकंड बहुत अच्छे अच्छे विजुअल्स वगैरह का वो यूज करते हैं अपने ऑडियंस को एंगेज करने के लिए, राइट। क्या क्या वो ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं, कितना डिस्काउंट वो ऑफर कर रहे हैं, वो सारी चीजें वो उस प्रेजेंटेशन में बताते हैं, राइट। आपने यस देखा होगा कभी बाहर, अभी कभी आप मार्केट वगैरह गए होंगे तो वहाँ भी एडवर्टीजमेंट चलता होगा, तो आप इस तरीके से वो मार्केटिंग करते हैं, राइट। आपने नोटिस किया है कभी ऐसा विजुअल्स वगैरह का यूज करते हैं, इमेजेस वगैरह का यूज करते हैं, ग्राफ्स चार्ट्स ये, यस मैम ठीक है। देन और क्या करते हैं, कॉन्फिडेंट डिलीवरी ड्यूरिंग अ क्वार्टरली बिजनेस रिव्यू द एग्जीक्यूटिव कॉन्फिडेंटली डिलीवर्स द प्रेजेंटेशन विद अ स्टेडी स्टेडी पेस एंड क्लियर इनंसिएशन। द कॉन्फिडेंट डिलीवरी कमांड्स अटेंशन एंड लीव्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन द ऑडियंस। तो बोल रहा है कि जो बिजनेस क्वार्टरली रिव्यू, जो क्वार्टरली बिजनेस रिव्यू होता है उसमें जो एग्जीक्यूटिव होता है वो कॉन्फिडेंटली क्या करता है, प्रेजेंटेशन देता है स्टडी पेज, मीन्स एक स्टडी मीन्स क्या होता है, एक जो कह सकते हैं मान्य एक तरीके से जो स्पीड होती है कि हाँ इतने पे ही देना है, वो उसी मीडियम स्पीड कह सकते हैं एक तरीके से, या जो कि अप्रोचेबल एक कह सकते हैं वो स्पीड वो फॉलो करते हैं अपने प्रेजेंटेशन वगैरह को देने के लिए, एंड क्लियर उनका जो जो भी वर्ड्स वो बोलते हैं वो क्लियर समझ में आता है कि हाँ वो बोल क्या रहे हैं। एंड कॉन्फिडेंट द कॉन्फिडेंट डिलीवरी कमांड्स अटेंशन, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है अगर वो कॉन्फिडेंटली डिलीवर करते हैं तो उससे क्या होता है कि उनको पॉजिटिव ऑडियंस का पॉजिटिव इम्प्रेशन भी मिलता है इस तरीके से अगर वो काम करते हैं। देन इंटरएक्टिविटी इन अ टीम ट्रेनिंग सेशन, टीम ट्रेनिंग सेशन में क्या होता है, जो फैसिलिटेटर होता है वो इंटरएक्टिव एलिमेंट जैसे कि क्विजेस, ग्रुप डिस्कशन या प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करवाता है, जिससे कि क्या अपने ऑडियंस को पार्टिसिपेंट्स वगैरह को एंगेज करा के रखा रहता है। इससे क्या होता है कि लर्निंग पॉइंट को वो हेल्प करते हैं, वो उसको इम्प्रूव रीइन्फोर्स कर सके इन चीज़ों में। देन आपका स्टोरी टेलिंग का आता है इन अ सेल्स प्रेजेंटेशन, जो सेल्स पर्सन है वो स्टोरी टेलिंग का यूज़ करता है, मीन्स वो कहानियाँ सुनाता है लोगों को ताकि वो अपने प्रोडक्ट वगैरह को या सर्विसेज को पॉजिटिवली जो है यूज़ कर सके क्लाइंट बिजनेस में, क्लाइंट रिलेटेड बिजनेस करने के लिए। देन रिलेटेबल, तो स्टोरी टेलिंग आपने मेंटोस का ऐड देखा होगा, मैंने देखा गधा नहीं खाता है तो गधा का गधा ही रह जाता है मॉडर्न टाइम पे भी, पुराने जमाने में भी गधा रहता है मॉडर्न टाइम में भी गधा रहता है, लेकिन बंदर बंदर से इंसान बन जाता है मेंटॉस खा के। तो एक तरीके से क्या स्टोरी के थ्रू वो बता देते हैं कि क्या है वो सेल्स कर देते हैं, मीन्स एक तरीके से वो सेल करने का तरीका उनका अपना प्रेजेंट प्रोडक्ट को सेल करने का एक बहुत मीन्स अच्छा तरीका होता है कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी वो कर सकते हैं। तो उसे क्या होता है स्टोरी टेलिंग एड अ पर्सनल टच, राइट। तो आपने एग्जाम्पल मैंने अभी जस्ट दिया तो वो कितना अच्छा था, राइट, कि वो मेंटोस को बेचने के लिए उस प्रोडक्ट को लोगों के सामने रखने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा लोग बाय करें, तो कितना अच्छा स्टोरी का यूज किया उन्होंने बताने के लिए। देन मीन्स दिमाग की बत्ती जलाने के लिए मेंटोस का यूज करते हैं, सिंपली बता दिया उस स्टोरी के थ्रू। देन हैंडलिंग क्वेश्चन आफ्टर अ प्रोजेक्ट प्रपोजल प्रेजेंटेशन, द प्रेजेंटर कॉन्फिडेंटली आंसर्स क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस प्रोवाइडिंग डिटेल्ड एंड वेल रिसर्च रिस्पॉन्स। हैंडलिंग क्वेश्चन इफेक्टिवली शोज एक्सपर्टीज एंड बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी।
तो जब प्रोजेक्ट प्रपोजल प्रेजेंटेशन मीन मान के चलिए जैसे ही मैं क्लासेस आपकी कंप्लीट कर लेती हूँ, राइट, प्रेजेंटेशन वगैरह हो जाता है, तो मैं आपसे क्वेश्चंस वगैरह जो है या तो आप क्वेश्चन वगैरह पुट करते हैं तो मैं उसका आंसर देती हूँ, राइट। तो कितना कॉन्फिडेंटली मैं आंसर देती हूँ वो चीज़ें मैटर करता है, कितना डिटेल्ड वे में मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँ वो मैटर करता है, एंड वेल रिसर्च रिस्पॉन्स दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ वो चीज़ें आपका मैटर करेगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन मीन्स आप हैंडल कर रहे हो, कितना इफेक्टिवली आप हैंडल कर रहे हैं वो शो करता है कि हाँ आप एक एक्सपर्ट हैं प्रेजेंटेशन वगैरह देने में, आपके एक क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड करता है वो। देन टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन विद स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट, जो स्पीकर है वो क्या करता है, मैनेजेस द टाइम इफेक्टिवली, वो इंश्योर करता है कि वो जो भी की पॉइंट है वो उस एलोकेटेड टाइम में कवर अप हो जाए, रिस्पेक्ट करता है टाइम लिमिट जो कि डेमॉन्स्ट्रेट करता है प्रोफेशनलिज्म एंड कंसिडरेशन फॉर द ऑडियंस। मान के चलिए कि मैक्सिमम कहा जाता है कि 15 स्लाइड्स या 12 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन आपको देना चाहिए, राइट। सो आप उससे क्या होता है कि आप एक टाइम आपका रहता है कि हाँ इतने टाइम तक करेंगे तो सामने वाले पर्सन भी बोर नहीं होंगे एंड उसने टाइम तक ये कवर अप भी हो जाएगा, मेरी सारी बातें सब तक पहुंच भी जाएंगी। तो इसलिए बोला कि टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। देन ऑडियंस अवेयरनेस, इन्हें ट्रेनिंग सेशन दे रहा है कि फॉर डाइवर्स ऑडियंस, जहाँ पे अलग अलग तरीके के आपके ऑडियंस हो, तो जो ट्रेनर है वो क्या करता है, अडेप्ट द लैंग्वेजेस एंड एग्जांपल्स, मीन वो ट्रेनर जो होता है वो अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस अडेप्ट करता है, जैसे गुजराती भी बोल लेता है, वो मराठी भी बोल लेता है एंड राजस्थानी भी बोल लेता है, तो अलग अलग तरीके के लैंग्वेजेस वो बोल लेता है अपने ऑडियंस से एक तरीके से इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। देन द ट्रेनर अडॉप्ट द लैंग्वेज एंड एग्जाम्पल टू सूट द पार्टिसिपेंट बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस, ताकि वो सूट कर सके जो भी ऑडियंस वगैरह है उनके बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग। देन ऑडियंस अवेयरनेस, ये इंश्योर करता है कि एवरी वन, जितने भी लोग हैं वो उस प्रेजेंटर के कॉन्टेंट से क्या कर सके, खुद को रिलेट कर सके। देन क्लोजिंग इम्पैक्ट एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च प्रेजेंटेशन, जब आप प्रोडक्ट लॉन्च प्रेजेंटेशन जब आपका एंड होता है, एक एग्जाम्पल दिया है, तो प्रेजेंटर क्या करता है, डिलीवर्स अ पावरफुल क्लोजिंग स्टेटमेंट समराइजिंग द की बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट एंड एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू द ऑडियंस। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे फेयर लवली का आप एग्जाम्पल देख लीजिए, राइट, जब वो एड स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में किस तरीके से एड जाता है एंड में शो करता है कि हाँ कितना इंसान गोरा हो जाता है, राइट, एट द एंड। सो वो एक तरीके से क्या पावरफुल क्लोजिंग स्टेटमेंट या पावरफुल क्लोजिंग जो है प्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं वो वहाँ पे यूज करते हैं, जिससे क्या होता है समराइज करता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मीन्स फेयर लवली का फायदा है, फेयर लवली लगाने से लोग कृतज्ञता आसान किसी के एहसानों को माना कृतज्ञता ऐड देता था कि कितने गोरे हो जाते हैं फेयर लवली यूज करने से, तो वो बेनिफिट बता दिया, राइट। एक्सप्रेसिंग एंड देन एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू द ऑडियंस मीन्स ग्रेटिट्यूड मतलब एनीवन कोई बताएगा, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे उन्होंने टाइम दिया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन वगैरह देखने के लिए, तो उसके लिए वो बोलते हैं कि हाँ मैं बहुत कृतज्ञ कि आपने इतना टाइम दिया सुनने के लिए या देखने के लिए, राइट। तो अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना ऑडियंस को जरूरी रहता है जब आप अपना प्रेजेंटेशन वगैरह दे देते हैं, तो या फिर आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं जब प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाते तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर मेंटेनिंग सच लाइक एंगेजिंग एनवायरमेंट, इस तरीके के कुछ वर्ड यूज करते हैं एंड करने के लिए, राइट, जिससे वो शो करता है कि हाँ वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें ऑडियंस को। अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन एंड री इन्फोर्स द प्रेजेंटेशन मेन मैसेज। यूज ऑफ ह्यूमर इन अ टीम बिल्डिंग वर्कशॉप बोल रहा है एग्जाम्पल में, इन अ टीम बिल्डिंग वर्कशॉप जो फैसिलिटेटर होता है वो इनकॉर्पोरेट मीन्स वो क्या करता है अप्रोप्रिएट ह्यूमर का यूज करता है ताकि वो लाइटन कर सके मूड को, पॉजिटिव एनवायरमेंट एटमोसफेयर को वो बरकरार रखे क्रिएट कर सके। ह्यूमर से क्या होता है कि एंगेजमेंट वगैरह इन्हेंस हो जाती है और अच्छी हो जाती है और पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करना शुरू कर देते हैं। आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि जब आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है तो कोई पर्सन अगर थोड़ा सा प्रैंक कर देता है, मजाक कर देता है, तो आपका जो
टेंशन या स्ट्रेस रहता है थोड़ा कम हो जाता है, राइट। तो वही बोला है कि आपका यूज ऑफ ह्यूमर भी बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन स्किल्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन स्किल। ठीक है, आ गया सबको समझ में प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सो लेट मी री रिवाइज कि आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है प्रेजेंटेशन में। स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेंट होना चाहिए, विजुअल्स वगैरह का यूज करना, जैसे इमेजेस, ग्राफ और चार्ट का यूज करना है। स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेंट का मतलब क्या है कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए, देन की पॉइंट होना चाहिए, देन की पॉइंट या फिर मेन पार्ट, देन कंक्लूजन। नाउ मेन पार्ट में आपका की पॉइंट होना चाहिए जिसमें आप क्या क्या चीजें बता रहे हैं उसके बारे में डिटेल रहेगा, एंड कुछ फैक्ट्स वगैरह यूज करेंगे, ग्राफ्स वगैरह विजुअल्स वगैरह का यूज करेंगे उस मेन पार्ट में। ना बोला है क्या यूज करने की, विजुअल्स यूज करने यानी इमेजेस, ग्राफ और चार्ट का यूज करेंगे, कॉन्फिडेंट डिलीवरी देंगे। कॉन्फिडेंट डिलीवरी का मतलब क्या है, आप अपना बोलने का जो स्पीड है वो मेंटेन करके रखेंगे और क्लियर बोलेंगे जो भी आप बोलेंगे। इंटरैक्टिव रखना है, सामने वाले पर्सन को भी इंगेज करना है अपने प्रेजेंटेशन में। किस तरीके से इंटरैक्टिव बनाएंगे, क्विजेस, ग्रुप डिस्कशन और प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करवा के इंटरैक्टिव बना सकते हैं। एंड देन और क्या कर सकते हैं, पॉजिटिविटी, एक तरीके से पॉजिटिविटी भी नहीं कहेंगे, किस तरीके से पर्सुएड करेंगे लोगों को, वो एक कोई स्टोरी वगैरह बता के भी आप उन लोगों को पर्सुएड कर सकते हैं, या कोई बेनिफिट वगैरह बता के पर्सुएड कर सकते हैं। क्वेश्चन आप अच्छे से इफेक्टिवली हैंडल करेंगे, इसलिए प्रिपेयर्ड रहिए कि कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने उठ के आए तो सामने ऑडियंस आपसे अगर पूछ रही है तो आप उसको इफेक्टिवली आंसर कर पा रहे हैं। उससे आपका क्या होगा, आपका एक्सपर्टीज नजर आएगा, उससे आपकी क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ना स्टोरी टेलिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे क्या होगा कि ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाएगी, उससे कनेक्ट करने के साथ साथ आप ऑडियंस को परसुएड भी करा सकते हैं। देन टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें कि आप इतने टाइम लिमिट या के अंदर ही आप जो है प्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं, ऑडियंस को अवेयर भी रखना है, ऑडियंस रिलेटेड अवेयरनेस होनी चाहिए, सॉरी ऑडियंस रिलेटेड अवेयरनेस होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो जो ऑडियंस होगी वो आपसे या आपके कंटेंट से वो रिलेट कर पाएगी, आपसे इंगेज हो पाएगी। देन आप जब पोस्ट कर रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड वगैरह एक्सप्रेस करिए, बेनिफिट्स वगैरह बताइए प्रोडक्ट रिलेटेड अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ह्यूमर का यूज करिए ताकि अगर कोई सैड है, उदास है या स्ट्रेस प्रेजेंटेशन स्किल्स। ठीक है, फीडबैक वगैरह लेते रहिए, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, रिकॉर्डिंग करके आप खुद को चेक कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। जी किसी को कुछ पूछना है? मैम वो प्रेजेंटेशन किस पे देना, थोड़ा उसका भेज दीजिए, उसको पीपीटी भी बनाने का ना। ओके अमन, आपको कुछ पूछना है? ओके सत्यांशु, शाहिद, मैम वो प्रेजेंटेशन किस पे देना, थोड़ा उसका भेज दीजिए, उसको पीपीटी भी बनाने का। पीपीटी सिर्फ 6 स्लाइड आपको रखिएगा, 6 स्लाइड, पहले स्लाइड में इंट्रोडक्शन टॉपिक वो मत लिखिएगा, मीन्स की पॉइंट वगैरह वो सब मत लिखिएगा कि हम ये जैसे होता है ना एक कॉन्टेंट, वो वाला पार्ट मत रखिएगा, सीधे आप टॉपिक का रखिएगा कि टॉपिक ये है, उस टॉपिक का आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ठीक है, देन इंट्रोडक्शन देने के बाद उस इंट्रोडक्शन वाले पेज में ही आप बता सकते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें कवर अप करने वाले हैं इस प्रेजेंटेशन में, क्योंकि छोटी स्लाइड है, राइट, सिर्फ 6 स्लाइड है, तो आपके पास ज्यादा स्लाइड होगी, जब ज्यादा स्लाइड होगी तो आप कंटेंट मींस मैम की एक स्लाइड में जैसे 1 वर्ड 2 वर्ड जो भी हो प्रेजेंटेशन करके 12 स्लाइड्स का पोस्ट कर दीजिए, लेकिन जब आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो सिर्फ 6 स्लाइड का प्रेजेंटेशन दीजिएगा। ठीक है, ओके चलिए मैं टॉपिक आप सबको दे दूंगी। जी अमन बोलिए। ओके 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 मतलब जितना कम वर्ड यूज हो सके, 1 वर्ड 2 वर्ड नहीं, आप 5 से 6 लाइन यूज कर सकते हैं, अगर पॉइंट वाइज भी लिखते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे पॉइंट वाइज में क्या होगा कि आपको हेडिंग पता होगी एंड पॉइंट वाइज वाले में आप चीजों को और एक्सप्लेन कर पाएंगे, पॉइंट वाइज वाला ज्यादा प्रेफर्ड वन होता है एक तरीके से प्रेजेंटेशन। ओके मतलब जितना कम वर्ड यूज हो सके। जी जी
आप ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करिए, लिखिए कम, प्रेजेंटेशन मेन वो होता है, ठीक है। ग्राफ वगैरह का यूज करिए, विजुअल्स वगैरह का यूज करिए। चलिए, अगर आप ग्राफ वगैरह यूज करते हैं तो 2 पेज एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, 8 पेजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, 6 कोशिश करेगा 6 में ही हो जाए। ज्यादा बड़ा टॉपिक मत चूज करना आप सब, क्योंकि टाइम सबको देना है प्रेजेंटेशन का। एक ही दे दीजिए, मैं अलग सही रहेगा। एक ही से क्या होगा ना, एक नहीं होना चाहिए, एक होगा तो क्या होगा कि ठीक है, आपने लिख लिया, आपको समझ में आ गया कि आप प्रेजेंटेशन की सही से, क्योंकि आपका उस दिन एरर करेक्शन होगा। बट अलग अलग सब लोग दिए रहेंगे ना, तो आपको एक दिन डाइवर्सिटी मिलेगी अलग अलग टॉपिक से, ठीक है, कि हाँ अच्छा इसने इस तरीके से लिया, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। तो डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंटेशन को सोच के चलिए, कि आपको कई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो मैं टोटल 7 टॉपिक, यस मैम, गुड मैम, राइट नाउ 5 पीपल आर देयर, बट मैं 7 टॉपिक शेयर कर रही हूं, गुड नाइट मैम। ओके देन, हाउ वाज द क्लास? ओके मैम। ठीक था जी।